भिजे हुए जबड़े दर्द कर रहे हैं। कितनी देर तक दबाया जा सकता है अंदर खोलते लावे को? किसी भी पल खोपड़ी क्रेटर में बदल जाए, उससे पहले जानलेवा ऐंठन को लोमड़ी की पूंछ से बांध कर दाग देना होगा। हमले से बढ़कर हिफाजत की कोई रणनीति नहीं है। बेकार है ये सवाल कि संगीन किस कारखाने में ढली है। फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कौन सा हाथ उसे थामे है और किसका सीना उसकी नोक पर है। फर्क तो पड़ता है इस बात से कि उस जादू नगरी पर किसका कब्जा है, जहां रात दिन पसीने की बूंदों से मोतियों की फसल उगाई जाती है। मानवता के धर्म पिता न्याय और सत्य का मंत्रालय कंप्यूटर को सौंप कर आश्वस्त है, वही निर्णय देगा। निहत्थी बस्तियों पर गिराए गए टनों नापाम बम या तानाशाह की बुलेट प्रूफ कार पर फेंका गया इकलौता हथगोला इंसानियत के खिलाफ कौन सा जुर्म संगीनतर है? दरअसल इंसाफ और सच्चाई में इंसानी दखल से संगीन जुर्म कोई नहीं है। ताकत, ताकत बंदूक की फौलादी नली से निकलती है या कविता के कागजी कारतूस से? जिसके कोश में कहने का अर्थ है होना और होने की शर्त लड़ना, उसके लिए शब्द किसी भी ब्रह्म से बड़ा है जो उसके साथ हर मोर्चे पर खड़ा है। खतरनाक यात्रा के अपने आकर्षण हैं, आकर्षक यात्रा के अपने खतरे। इन्हीं खतरों की सरगम से दोस्त निर्मित करना है हमें दुधारी तलवार जैसा अपना संगीत। भिजे हुए जबड़े अब दर्द कर रहे हैं, कब तक दबाओगे खोलते लावे को? तुम जानती हो क्यों? आज जी नहीं करता पार्टी में जाने का। तुम कह देना दमयंती से कुछ भी कि बुखार आ गया है या नाटक की रिहर्सल कर रही है। ग्रेट, कहना कि मैंने दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी है।
I love you so. All right. रहने दो ये काम, पार्टी में भी मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास, मुझसे बातें करो। मैं लिख रहा हूं। पियो मत, मत गाओ मत पियो। To your success. The party begins now. Sona. 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 क्या चाहिए? दरवाजा खोलो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कार की चाबी दो। नहीं दूंगी। दे दो मैं कहता हूँ। नहीं। क्या हो रहा है? वो मुझे कार की चाबी नहीं दे रहे हैं। मेरी कार लेके जाओ। वो मेरी बार बार इंसल्ट क्यों करती हैं? तुम्हें मालूम है तो क्यों पूछते हो उससे? चलो जाओ मेरी कार लेके जाओ। और देखो रैश मत चलाना। दरवाजा खोलो बेटे। सोना, मैंने कह दिया है तुमसे, अब बहुत हो गया सोना, दरवाजा खोलो। खोलो कहती हूं मैं। सोना, आज के दिन तो रहने दो ये तमाशा तुम दोनों, और साड़ी पहनो, समथिंग क्वाइट एंड सोबर। मैं नीचे पार्टी में नहीं आऊंगी। सोना, आज के दिन ठीक तो... है, आ जाऊंगी। तू क्यों ऐसा बर्ताव करती है मेरे साथ? दिस इज अनजस्ट। आगाशे आने वाले हैं? हाँ। डू मी अ फेवर, उस आदमी को मेरे पास मत फटकने देना। ब्रिंदा। हाय। मैं क्लब जा रहा हूं, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? थैंक्स। आज रात को आ रहे हो ना पार्टी में? पार्टी? नाटकबाजी रहने दो, दमयंती ने नहीं बुलाया तुम्हें, सोना ने भी नहीं। डोंट बी बिची ब्रिंदा। अरे तुम अपना बच्चा भी नहीं देखना चाहते, तुम जैसा ही गुंडा है। लेट मी टेल यू ब्रिंदा, उसी ने इनकार कर दिया, मैं तो तैयार था शादी करने के लिए। वैसे सोना की और मेरी दो महीने भी नहीं निप पाती। जानती उसने क्या कहा मुझसे? जो कुछ हुआ है उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसे नहीं होना चाहिए था। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार कमजोर पड़ता है, मेरी कमजोरी का क्षण तुम्हारे साथ आया, भुला दो उसे, बच्चा मेरा है, मैं पालूंगी। बहुत सहानी। अरे अब तक फूल नहीं सजाए तुम लोगों ने, कब से कह रही हूं मैं। लक्ष्मण, वो फूल अंदर ले आना लाइब्रेरी में, अंदर का सब मैं ही देख लेती हूं। तुमने तो चौंका दिया, कब आए? कोई घंटा भर हुआ होगा। और मुझे किसी ने बताया तक नहीं, आउटरेजस। तुम आराम कर रही थी शायद? कोशिश कर रही थी। सेडेटिव लिया तुमने? हर बार पार्टी से पहले लेना ही पड़ता है। और मुझे पार्टी के बाद? मजाक रहने दो। मुझे समझ में नहीं आता तुम क्यों ये पार्टियां दिया करती हो आखिर। लोग क्या कहेंगे, और बरवे पुराने परिचित हैं, क्या सोचेंगे? इतना बड़ा सम्मान पाया है उन्होंने, और पार्टीज तो मैंने छोटी मोटी वजह से भी दी हैं। ओह स्टॉप फ्रेटिंग दमयंती, और 3 घंटे हैं अभी। सोना फिर झल्लाई हुई है सुबह से, कमरा बंद करके बैठी है बच्चे के साथ। मालूम नहीं क्या होगा इस लड़की का। पार्टी का सुना और बरस पड़ी मुझ पे।
उसे लगता है मुझे ख्याल ही नहीं उसका। उसे समझने की कोशिश करो दमयंती। समझने की कोशिश करो, मां हूं मैं उसकी, हूं ना। प्लीज गिव मी अ स्मॉल ब्रांडी, आई फील सो टायर्ड। अमृत होता अगर यहां तो उसी के सामने मन खोलती है अपना। न जाने वो भी कहां आदिवासियों के बीच जंगलों में भटक रहा है। विंदा, Hey, what a surprise. You still look handsome. Well, I'm married now, that's why. I know, somebody told me and it broke my heart. Chalo, mere cabin mein chalo. It's really good to see you. Where the hell have you been for so long? Oh, Beto. Chai piyogi? No, thanks. Darasal, main Avinash se milne aayi thi. Kab lautne wala hai Andhra se? Aaj subah aa gaya hoga. He should be in the office by now. Kuch pata chala? Suna kafi tension hai wahan. Kyon, koi jaan pehchan wala hai kya wahan? Amrit? Great poet. Apo to fan hai, saab unke. Beto. Nahi. अविनाश के आते ही मेरा मैसेज देना, ही मस्ट गेट इन टच विथ मी। वेयर? शाम को मैं मिसेज रानी के वहां जा रही हूँ। uh-huh. उसे कहना मुझसे वही कांटेक्ट करे। ओके, बाय बाय। या उसे वही भेज देना। क्यों, कोई खास बात? नाउ डोंट बी इंक्विजिटिव, दैट मेक्स यू लुक अगली। ओह, इट्स यू। लुक, यू आर विद मी दिस इवनिंग। गेट मी मिसेज रानीज रेजिडेंस। This must get to the press immediately. Alinda, has Amit Malkin's article come in yet? Yes, madam. Good. Bring it in at once. Pick up the car and collect me 8-ish. And no jeans. Yes? Hello, Damyanti. How are you? Something wrong with your voice? Anything? Listen, can I bring a friend along tonight, or is it very formal? Thank you. Good. Looking forward to it. Mrs. Abraham thi, apne ek friend ko saath la rahi hai aaj shaam ko. And I wanted to keep this evening so quiet and exclusive. Hello? Hello, Agashe. क्या तुम क्यों कष्ट करते हो मुझे ले जाने का? तुमसे किसने कहा कि मैं पार्टी में जा रही हूं? नहीं भी जा सकती हूं? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि आपके साथ चलूं? ऑल राइट। और हाँ, परसों जो आपने अपने नाटक के टिकट्स भिजवाए थे उनके लिए मेनी थैंक्स। जी, देखा, हमारी सावित्री बाई ने देखा अपने हस्बैंड के साथ, दोनों बेहद खुश थे। हर कलाकार के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब लगता है सब बेकार है, बेमायने है। कीर्ति, संपत्ति, प्रेम सब खोखले और निरर्थक जान पड़ते हैं, और इस एहसास से कलाकार रीता होता जाता है और भी। बाकी रह जाती है एक छटपटाहट, अपने को पहचान पाने की एक गहरी छटपटाहट, और यहीं से शुरू होती है एक आध्यात्मिक यात्रा। बकवास। तुमने क्यों पढ़ा? क्या प्राइवेट था? हर कलाकृति प्राइवेट होती है जब तक पूरी नहीं हो जाती।
तुमने जो लिखा है सब बकवास है। तुम और क्या ही कह सकती हो। प्रेम खोखला और निरर्थक जान पड़ता है, इसकी क्या माने। चलो तैयार हो जाओ। प्रेम खोखला जान पड़ता है यानी क्या, क्यों खोखला जान पड़ता है। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। करता हूं। करता हूं। ठीक है, मान लेती हूं। सुंदर हूं, आंखें क्यों फेर लेते हो। कभी तुम घंटों देखा करते थे मेरे कपड़े उतार कर। मोहिनी कपड़े पहनो प्लीज। नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या कर रही हूं। मैं अब भी सुंदर हूं, अब भी खूबसूरत हूं, मैं अब भी जवान हूं। क्या हो रहा है ये। क्या पता सब लोग वक्त पे आते हैं कि नहीं। ये डिनर जितना जल्दी खत्म हो अच्छा। चाय? न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होके रहेगा। सच? आकाश माइट गेट ड्रंक। आई एम नॉट वरीड अबाउट समवन गेटिंग ड्रंक। कुछ अनइजीनेस महसूस हो रही है, एक अजीब सा डर। क्या? आई एम सो हैप्पी बर्वे हैज रिसीव्ड सच ए प्रेस्टिजियस अवार्ड। ही इज अ लिटरेरी फिनोमिनन, अ जीनियस, इजंट ही? और सोशल कमिटमेंट का कितना सेंस है उसने। अपने अवार्ड की पूरी रकम लेप्रोसी होम को डोनेट कर दी उसने। शायद इतने पैसों की जरूरत ना हो उसे। डोंट बी सिनिक दमयंती। 25 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं हम, क्यों नाटक करें कि एक दूसरे को समझते नहीं। कहां समझते, हो गए तुम फिलोसॉफी के डॉक्टर, लेकिन मुझे समझ ही नहीं पाए तुम। कोई भी नहीं। दूर हो, मैं कहता हूं दूर हो जा। ये प्रार्थना निरर्थक है, निरर्थक है ये प्रार्थना। ये जूलियस सीजर किसी से दया की भीख नहीं मांगता, काम नहीं किसी के गिड़गिड़ाने पर उसे दया की भीख देता है। सीजर अचल है, अचल है उत्तर दिशा के नक्षत्र समान, अभिचल है जिसकी प्रतिष्ठा संपूर्ण तारांगण में।
कोटि कोटि अग्नि बिंदुओं से प्रसरित है गगन, और प्रत्येक अग्नि बिंदु प्रज्वलित है, प्रदीप्तमान है, परंतु अपने स्थान पर केवल एक ही स्थिर है, वो है ध्रुव तारा। इस असंख्य मानव समुद्र में केवल एक ही मनुष्य मुझे ज्ञात है जो अपने स्थान पर अविचल है, और वो मैं हूं। मैं हूं जूलियस सीजर, मैं हूं ओथेलो, मैं हूं प्रताप राव सुधाकर, मैं हूं हैमलेट, और मैं हूं गणपत राव बेलवलकर नट सम्राट। सारे महापुरुष मेरे देह में सिमट आए, और सभी महापुरुषों का वक्षस्थल सदैव आह्वान रहा है हत्यारों के लिए, चिरंतन आह्वान। वो देखो हत्यारों ने कटारे निकाल लिए मुझे, इस जूलियस सीजर को मारने के लिए घेर लिया है, मुझे घेर लिया और चिल्ला रहे मारो, निकालो कटारे, मारो मार कहा रूटस, तुम भी तो फिर सीजर मर जाओ, सीजर मर जाओ बाबा। नाटक ऐसा होता है राजा, नाटक ऐसा। अप्पा बाबा होकर काम करते हैं ना, बड़ी वेदना होती होगी उनको। अभी बच्ची हो तुम। मैं तो उनकी जबरदस्त फैन हूं। कौन नहीं है, वो है ही एक महान अभिनेता। एक्टिंग करना बंद ही नहीं। उलट कर कैसे हो? ठीक हूं। रविंद्र, ये है प्रभा जोशी। नमस्ते। नमस्ते। आपकी बड़ी फैन है। कितना इन्वॉल्व होकर काम करते हैं आप, बड़ी वेदना होती होगी ना? वेदना मुझे नहीं होती, वो जो कैरेक्टर मुझ में है उसे होती। चलता राणी के। बोलो क्या रहने दो भाई, छोड़ दो गाड़ी, गाड़ी छोड़ दो। एक एक करो, नहीं बोला ना जरूरी जाना है। आकाशी साहब, अगर आपके नाटकों के सैकड़ों शोज होते हैं तो ये मत समझिए कि आप बड़े टैलेंटेड नाटककार हैं। आपकी कामयाबी का राज क्या है बताऊं? आपका चीमड़पन, गाढ़ा चिपचिपा बेशर्म चीमड़पन। उससे अगर सक्सेस मिलती है तो क्या बुरा है? आकाशी साहब, आप तो देखते होंगे अपने नाटक, देखते हैं ना? जरूर देखते हैं और अच्छे भी लगते हैं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वृंदा जी, एक बात बताता हूँ आपको, अपनी लिखी चीज लोग इतनी आतुरता से सुनते हैं, देखते हैं, यकीन मानिए बहुत थ्रिलिंग चीज है ये। I'm sure. पूरे महाराष्ट्र की मिडिल क्लास गृहस्थ ने गुजरी उम्र वाली कुंवारियां, छोड़ी हुई बीवियां लगातार डूबती उतराती रहती है आपकी लसीली गुड़ की चाशनी में। बड़े दोगले हैं आप मार्क्सिस्ट, आम आदमी की बात करते हैं आप लोग और उसी के टेस्ट की खिल्ली उड़ाते हैं, वो भी मलाबार हिल के आलीशान बंगलों में बैठकर। वाह, और हम जो उसी आम आदमी को भाने वाली चीज लिखते हैं तो हमारी भी लिल उड़ाते हैं आप।
अगर हम आम आदमी का मनोरंजन करते हैं, दो तीन घंटे उसके रोजमर्रा का दुख भुला देते हैं, तो क्या बिगाड़ते हैं साहब? बल्कि ये तो वो चाहता है। होली शिट। अरे ओ, नमस्ते। कहाँ जा रहे जी? ओ, मिसेज रानी के यहाँ। आओ बैठो। ओ तुम्हारी नई कविताएं पढ़ी, अच्छी लगी। जी थैंक्स। तुम्हारे नाटक का शो दोबारा कब हो रहा है? देखना है एक बार। जी शो करना तो है, मगर शुरू में ही इतना नुकसान हुआ कि कुछ करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल थिएटर की खातिर कुछ तो पैसे का परमानेंट इंतजाम होना चाहिए। मैं दे दूंगा स्क्रिप्ट आपको। छप चुकी है? जी नहीं, साइक्लो स्टाइल में ही है। देना कभी, एक आध फ्लाइट में पढ़ डालूंगा। जी। कम कम बर्वे। हम लोगों ने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। Oh, not at all. मोहिनी, looking more and more radiant. I'm drunk. नमस्ते। कम कम, कम, let's go and meet the others. This is here Mr. Pota. बधाई हो बर्वे साहब, बधाई हो, बधाई हो। और कार्ड लगा दे। मां, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। Rahul, what? Please, mommy, they wouldn't listen. I'm sorry, Barve. जाने भी दो। जब तरुणाई इर्द गिर्द होती है तो अच्छा लगता है। Thanks. We won't be a nuisance. Promise. Okay, guys, my room. Hello, uncle. आओ बेटे। सॉफ्ट ड्रिंक एज यूजुअल। जी। केशव। जी। एक ऑरेंज स्क्वैश बनाओ। जी सर। अच्छा किया तुम नीचे चली आई। आप क्यों चले आते हैं इन पार्टीज में? आई नो यू डिटेस्ट देम। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बेटा जो हम नहीं चाहते फिर भी करते हैं। तुम भी तो इस समय वही कर रही हो नहीं? Who all are going to be there, Ruth? Oh, creme de la creme. And don't ask any stupid questions. Don't yawn. And don't chase women. I'll be watching. I am not going to congratulate you, Barbie Sahab. But I want you to. सारी रकम कोड़ियों के अस्पताल को दे देने के क्या मानी? इस तरह ह्यूमनिज्म का एक दौरा पड़ने से सवाल हल हो जाएंगे क्या? लो, हो गई वृंदा शुरू। जब आप जैसे लोग भी सस्ते और आसान तरीके अपनाते हैं ना, तो सच बड़ा गुस्सा आता है। बर्वे साहब, आप जब तक मलाबार हिल के बंगले में रहते हुए मार्क्स की दुहाई नहीं देंगे तब तक असली रेडिकल नहीं हो सकते। वो मकान मेरे पिता का है। या खुदा तू सभी को ऐसा ही पिता दे। वृंदा का कहना सही है आगाशे, शायद हम कभी कभी बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। अपने अमृत को ही ले लो, कवि है मगर कविता छोड़कर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गया है। ये भी एक किस्म का रोमांटिसिज्म ही है। हेलो दमयंती।
Come, Ruth. Hello. Lovely saree. Thank you. This is Subhash. Hello. Mrs. Rani. Hello. Congratulations, Mr. Barbe. Thank you, Mrs. Abraham. Phone gumate gumate thak gaye hum. These Bombay telephones? Bigda pada. You really must give me an interview, an in-depth interview. This is Subhash. Hello. Subhash, this is Mr. Badway. Subhash once played the Elephant Man, but don't let that frighten you. इतने बड़े-बड़े लोग, कितना कल्चर है यहाँ. थिएटर में काम करने का ये एक फायदा है, ऐसी बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाने का मौका मिल जाता है. और कल्चर के साथ कितना कांटेक्ट बढ़ता है. रश्दी, ऑफ कोर्स रश्दी इज ब्रिलियंट, बट कम इन नायपॉल, ही हैज ग्रेटर परसेप्शन. नायपॉल इज बिटर, टू बिटर. आपकी महिला पात्र स्वाभाविक क्यों नहीं होती? आप उन्हें रोमांटिसाइज कर कितना डिस्टॉर्ट क्यों कर देते हैं? आप जैसे डिस्टॉर्शन समझती हैं, शायद वो मेरे लिए सच्चाई हो. और फिर स्त्री का नजरिया हो सकता है पुरुष को स्वीकार न हो. ये जरूरी तो नहीं कि पुरुष को ही हर चीज स्वीकार होनी चाहिए. ऑफ कोर्स इट्स अ पार्टी, हमने पहले ही कहा था. कम ऑन, लेट्स गो. हमें यहाँ इनवाइट नहीं किया गया है. शायद हम तक पहुँच नहीं पाया है इनविटेशन. लेट्स गो होम. कम ऑन नरेन, बी अ स्पोर्ट. हेलो, घर जाते हैं. सभी फ्रेंड्स ही तो है अपने. अच्छा नहीं लगता विकी. बिसाइड्स आई एम सो टायर्ड, मुझे नींद आ रही है. नींद तुम्हें कब नहीं आती? कुमकर्ण के चाचा हो, मेरी खुशी के लिए कुछ भी नहीं करोगे तुम. प्लीज. हेलो एवरीबॉडी, हियर आर सम गेट क्रैशर्स. कम कम. हेलो मिसेस रानी. हेलो. नाराज तो नहीं ना कि हम लोग बिन बोला टपक पड़े? मैंने तो तड़प रहा था आपसे मिलने के लिए. अच्छा हुआ आप लोग आए, मैंने बहुत कोशिश की. बट इस बॉम्बे टेलीफोन, आई नो, आई थॉट एज मच. कंग्रेचुलेशंस बलवीर साहब. थैंक यू. अरे खूबसूरत है ये, रियली. Oops. I'm sorry. It's all right. I'm Subhash. Malvika. Hi. How did the seminar at the Institute go? Very well. Thanks for the article. Oh, anytime. And how's the little one? Fine. Amrit ko pata hai is baare mein? Wo sab janta hai. Are you happy? Aadmi aurat ko aurat se zyada samajh sakta hai, Ila. जैसे छुआछूत की समस्या को एक ब्राह्मण बारीकी से समझता है. आगाशी, आप में और बरवे साहब में कोई खास फर्क नहीं. बरवे साहब, उन्हें औरत के बारे में क्या मालूम. ही हैज ऑलरेडी रीच्ड हिज, क्या कहते हैं उसे, क्रिएटिव मेनोपॉज. सच कहूं मिसेस एब्राहम, आप अंग्रेजी बोलने वाले जाने अपने आप को क्या समझते हैं. बहुत सुपीरियर एक्ट करते हैं आप लोग. सम ऑफ अस डू, आई मस्ट कन्फेस, बट इट्स पार्ट ऑफ द ब्राउन साहब लेगेसी. बट डोंट यू ऑल्सो सफर फ्रॉम द सेम स्नॉबरी, vernacular snobbery, shall we say. चलो घर चले. अभी अभी तो आए हैं, बुरा दिखता है. चलो, लेट्स गो. हमारी खातिर दी गई है ये पार्टी. तुम्हारी खातिर? तुम्हारी खातिर है ये पार्टी. थोड़ी देर में चलते हैं. तुम्हारी खातिर. मोहिनी प्लीज. अच्छी खासी भीड़ हो गई देखते देखते. इसे दोस्तों का दुलार मानो बर्वे. तुम्हारी निगाहों में अवार्ड कुछ भी नहीं, बट फॉर अस इट्स अ बिग इवेंट. ये पार्टी इनकी खातिर है ना, अब दोनों की खातिर. अब दोनों को अलग अलग सोचा ही नहीं जाता हमसे. मोहिनी जरा थक गई है, जल्दी घर जाने को कह रही है. दैट्स नॉट फेयर, यू आर द स्टार्स दिस इवनिंग. स्टार? वृंदा की बात का बुरा मत मानना. पहली बार तो मिल नहीं रहा हूं. वैसे लड़की है अच्छी भली, लेकिन He is a star. He is a star. Star. मुंह फट है जरा. कौन? वृंदा. वृंदा? जरा क्यों बहुत ही कहती हूं मैं. उसे अगर ये सब ढकोसला लगता है तो चली क्यों नहीं जाती अमृत की तरह जंगलों में आदिवासियों का उद्धार करने. अमृत की क्या खबर है,
आजकल उसकी कविताएं कहीं दिखती ही स्टुपिड यंग एंड स्टुपिड कितना होनहार कभी बहुत लाड किया था हमने जब लिखता था लेकिन अब मैं दूसरों की तरह इमोशनल होकर उसकी हर बात की तारीफ नहीं करूंगी ये आजकल फैशन हो गया है सोशल कमिटमेंट वगैरह शायद लिखने के काबिल कुछ बचा ही ना हो उसके पास रिटन हिमसेल्फ आउट परहैप्स हेलो मोहिनी हेलो रवि अमृत का कोई खत 6 महीने पहले एक आया था चिंता होती है लिखा था उसकी चिट्ठियों पर भी नजर रखी जा रही है कुछ जरूरी दवाइयों के पार्सल भिजवाए थे उन लोगों को पता नहीं उन्हें मिले भी हैं कि नहीं तुमने रिसर्च बीच में ही छोड़ दिया अमृत को अच्छा नहीं लगेगा छोड़ा कहां है पर अमृत होता तो फर्क पड़ता Well, there have been quite a few, but I think Elephant Man, which I did back in 1981, was my best effort. Mm-hmm. Have you seen it? Nein, lekin maine Don Juan and Hell dekha hai. Don Juan and Hell. Oh, yes, Dubey is there. Right, aap jante ho? Hello, Manavika, kaise ho? Kya chal raha hai aajkal? Kuch khas nahi. Kyun, modeling chhod diya? Modeling? Hey, Manavika. Hi, Vrinda, how are you? Tera husband kahan gayab ho gaya? Are, kahan gaye? तूने अपने पर्स में तो नहीं छुपा रखा है ना आप लोग मुझे ड्रॉप कर दोगे मालविका आई डोंट वांट टू गो बैक विद दिस मीडियोकर राइटर ऑफ डिस्गस्टिंग सोप ऑपेरा हाँ नरेंद्र तो प्रोलेटेरियट में से है ना मिस्टर आगाशे ही इज यंग एंड हैंडसम ओह माय प्रेशियस हस्बैंड यू विल बी फ्लैटर्ड टू हियर दिस आई एम जेलस हाउ आई हेट इट चीयर्स 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 आओ भरत आओ चीयर्स चीयर्स देयर इज नथिंग लाइक लिकर क्यों पीना फैशनेबल है इसलिए व्हाट डू यू मीन कि पीना फैशनेबल है हिंदी में बोलो भरत एक तो ऐसे ही तुम्हारी अंग्रेजी माशाल्लाह है और जब चिढ़ जाते हो तो ग्रामर की भी हत्या कर डालते हो मैं जो भी करूं बात जेन्युइन करता हूं नो फाइटिंग भरत बर्वे साहब कहां है फाइटिंग शी इज ड्रंकन यू मीन ड्रंक I'm sorry. Kitni baar sorry kahoge? Besides, it's uncivilized to make such remarks about ladies. Look, Vrinda, I will... Kyon dikh kar rahi ho use? Bechara. Mrs. Rani, I'm not bechara. See? Don't call him bechara. Barve sahab ki tarah Bharat bhi super writer hain. Abhi se award ke sapne dekh rahe honge. Kyon nahi? Use bhi award milega, jab Barve sahab ki tarah likhne lagega. Please, Mrs. Rani. इतना मत पियो मोहिनी हेलो इससे पहले मिले हम कभी जी हाँ कम से कम 3 मरतबा रियली हाँ आई हैव सच अ बैड मेमोरी एनीवे क्यों ना पियूं मैं बोलो सब यही कहते हैं दिवाकर भी मत पियो क्यों मत पियो जी मैं लाऊं आपके लिए आप मेरे नाटक में काम करेंगी आई एम सीरियस मैंने काम करना छोड़ दिया है आजकल थिएटर भी सिर्फ पीती हूं क्यों छोड़ दिया थिएटर आपने दिवाकर
दिवाकर की खातिर तुम्हारे बरवे साहब के लिए। क्या पी रही थी आप? आई लव हिम। चलो विकी घर चले। अभी अभी तो पार्टी में मजा आ रहा है। विकी मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। नहीं but that doesn't make I mean no look at the whole make eastern the, make the... look at east europe yeah east, we... whole east european country the whole block and block what is happening I mean yeah, it's degenerating into a kind of bureaucratic and exactly. State activity and I feel that हेलो सोना। हेलो। कैसी चल रही है रिसर्च? क्या बात है, हर एक को यकायक मेरी रिसर्च में दिलचस्पी हो आई है। मैंने ड्रॉप कर दी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। कैन यू डू मी ए फेवर सोना, जरा मोहिनी का ध्यान रखोगी? जी। एक्सक्यूज मी। आप तो बिल्कुल अलग से रहते हैं। मेरी ड्यूटी यही लगी हुई है। हम तो आपको भूल ही नहीं पाते। लगता है आप लगातार हमें देख रहे हैं। थैंक यू। हेलो। हेलो। पेनफुल। मोहिनी प्रेम करती हो किसी से? इट्स पेनफुल। वैसे मोहिनी ने स्टेज छोड़कर अच्छा नहीं किया है ना बरवे साहब? उसी का फैसला था। हमने एक अच्छी एक्ट्रेस खो दी। तुम्हें ऐसा लगता है? वो शी इज अ नाइस पर्सन टू। वो दूसरी बात है। क्या ये दो अलग चीजें हैं? कई क्रिमिनल्स ने भी अच्छा साहित्य लिखा है वृंदा, जैसे जेनी। तय कर लें तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, मगर तय कर लेने से अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता कोई। अमृत कभी सहमत नहीं होता इस बात से। अमृत ने तो जाने कब से लिखना छोड़ दिया। आप कैसे जानते हैं? एक रोज वो लौटेगा और फिर लिखेगा। अमृत कहा करता था, जिसमें कन्विक्शन नहीं उसका लिखना जी नहीं सकता। उसने हमेशा लोरका की मिसाल दी, जिसने स्पैनिश सिविल वॉर में अपनी जान दे दी। इतिहास में ऐसा सैकड़ों बार हुआ है जब लेखकों ने अपनी कलम फेंककर बंदूक उठाई। और वे अच्छे आदमी भी थे बरवे साहब। एक बेचारे जेने की मिसाल देकर बात नहीं बनती। क्या हुआ मोहिनी? आर यू ऑल राइट? सोना क्या हुआ? कम कम रेस्ट ऑफ आयर। सोना मैं इसे तुम्हारे कमरे में लेके जाती हूँ। चलो चलो मोहिनी। बी केयरफुल। शी इज ओके। Not to worry, she's fine. Mohini, क्या हुआ? कुछ नहीं, I'll look after. You'll be all right, Mohini. Not to worry. Hello, Sona. Hello. परसों आई नहीं तुम हमारे 100 शो में? तबीयत ठीक नहीं? दोबारा रिसर्च शुरू कर दिया है? नहीं। इतनी रुखाई क्यों? क्या बात है? प्लीज। मैंने तुमसे एक सवाल किया था सोना। मेरा जवाब आप जानते हैं। वो मुझे मंजूर नहीं। लीव मी अलोन प्लीज। हेलो
ये सोना को तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? प्रपोज ही कर दिया क्या? Don't be silly. तुम मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते? I'd love to say no to you. हाँ, हम ठहरे बुर्जुआ. वो तो मेरे पिता भी हैं. One cannot choose one's parents. But one can choose one's husband. At your age? No. ये जो भरत है ना, आज की कविता में भरत कम ही हो. गिव मी अ सिगरेट. कहाँ चले? भीतर, वहां सब लोग डर गए मुझसे. मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं करूंगी, विश्वास करो. सच? नहीं मैम. नाराज हो गए? बहुत सेंसिटिव हो. भरत, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज. इट डिड 250 शोज इन वन ईयर. रियली? डिड यू सी इट? नो, सॉरी. बट यू मस्ट. People just love it. I get at least 25 letters every day. और आजकल तो it's become part of their lives. Excuse me, sir. क्या पी रही हैं आप? I didn't see you. But then you're part of the furniture. क्या दूँ आपको? Pot, of course. Having fun? Loads of it. And you? Still on the safer side of the fence as usual. Thanks. अमृत की कोई खबर? Sure. You know, before he left, I interviewed him, doctor. Such intensity. Looking at him, you would never believe the man had such a mind. What charisma. You know, when I first saw you come into the party this evening, I'd never have guessed you were married. Why? I don't know. You just don't look like a married girl to me. What's a married girl look like? Well, one there. Fat at the hips. Would it make a difference? Come, meet my friend. This is Karen. Agashi, excuse me. We simply must get together on that article on the Marathi theater. Seen Subhash anywhere? The steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of the life. In the real time world, no one sees her at all. They all say she's crazy. Locking with them to the beat of her heart, changing woman into life. She has danced into the danger zone when that dancer becomes a dance. It can cut you like a knife. हेलो. आपने सुभाष को देखा कहीं? और आखिर में किंग लियर की तरह स्टेज पर डेथ. ब्यूटीफुल, brilliant idea. I like it. ये बहुत ही challenging role होगा. आज तक जिस किस्म के characters मैं करता रहा हूं उनसे बिल्कुल अलग. What a role. लिखते वक्त तुम ही थे मेरी आंखों के सामने. ये एक ऐसा character है जिसे ये एहसास हो रहा है कि वो एक शून्य है. कला, जीवन, एग्जिस्टेंस सब निरर्थक है. उसे अपने सामने सिर्फ अकेलेपन की भयानक वीरानी दिख रही है. ऐसा सेंसिटिव रोल निभा सकने के लिए एक्टर भी उतना ही मैच्योर चाहिए. मुझे तो ये अपनी तस्वीर जान पड़ती है. परवेज साहब, आपका कैरेक्टर मेरे भीतर छुपा हुआ है.
सवाल मैच्योरिटी का नहीं है। सभी कैरेक्टर्स हमारे भीतर रहा करते हैं। होता सिर्फ इतना ही है कि एक मौके पर एक डिटेल उभरता है, दूसरा दब जाता है और आप एक नया कैरेक्टर होते हैं। कई बार एक अजीब कंफ्यूजन हो जाता है जब मैं स्टेज पर होता हूं। मुझे विश्वास होता है कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन स्टेज से बाहर होता हूं तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं या आई एम बीइंग मायसेल्फ। व्हाट इज बीइंग मायसेल्फ? मैं तुम्हारे अंदर छिपे कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन ये सच है, सभी कैरेक्टर्स मेरे अंदर मौजूद हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट इज मायसेल्फ, कि उनमें से मैं कौन हूं। हम दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। एम आई ड्रंक? सॉरी। नो, नॉट डिस्टर्बिंग यू। आ जाइए प्लीज, कम आइए, आइए आइए। हेलो सर, रविंद्र हैज बीन कीपिंग यू कंपनी। ऑफ कोर्स, ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर। राइटर्स का एक डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है बर्वे साहब, आप तो उसमें होंगे ही। आगाशे, डेलीगेशन सिर्फ एक रूमर है। परसों पापा ने दिल्ली में कुछ बात की तो लगे अंदाज बांधने। फिलहाल मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मेरा नाटक पूरा नहीं हो जाता मैं कोई डायवर्जन नहीं चाहता। वैसे ऐसे टूर्स पर भेजना चाहिए अमृत भरत जैसे लड़कों को। भरत ने तो अभी अभी लिखना शुरू किया है। हाँ, ये बात भी सही है। आप हमें क्यों नहीं भेजती मिसेस राणे? Damayanti, no, I was looking for... Well... ये हर पार्टी में सो जाता है और देखो कितना मोटा और भद्दा दिखता है। मोटापे का मुझे बहुत डर लगता है। तुम कभी मोटे हो ही नहीं सकते। जब तक वो आग तुम्हारे भीतर जलती है ना, तुम ऐसे ही हैंडसम जानदार दिखोगे। देखो मुझे गलत मत समझना। नहीं, कम इन सिट, यू आर अ डार्लिंग। मैं लोगों को ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती। बिल्कुल खुली किताब। यू डोंट बिलीव मी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच? प्रॉमिस? घबरा रहे हो? नहीं, ऑल राइट। रहने दो बाबा, तुम जाने क्या क्या सोचोगे। भरत, तुम क्यों इन खोखले लोगों के बीच अपना वक्त बर्बाद करते हो? कम ऑन, डोंट फ्लैटर मी। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई एम ट्राइंग टू वॉर्न यू। लेकिन मिसेज रानी तो ऐसा नहीं समझती। वो कहती हैं कि क्या? वो कहती हैं कि मैं बिगिनर हूँ। जिंदगी पर खुद एक सेंटेंस नहीं लिखा और मुझे कहते हैं कि मैं बिगिनर हूँ। योर ओरिजिनल, असली टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने से घबराते हैं लोग। तुम उन्हें क्यों इतने इम्पोर्टेंस देते हो? नहीं, बात इम्पोर्टेंस की नहीं है, लेकिन अन्याय करते भी नहीं हिचकिचाते ये लोग। एक साहित्यिक डेलीगेशन अमरीका जा रहा है, जानती हो मिस रानी मेरा नाम तक नहीं सुझाना चाहती। रशिया जाओगे? रशिया जाओगे? एनी डे, मैं जिंदगी का हर अनुभव लेना चाहता हूं। अगर हम दोनों साथ चले तो? लवली आइडिया। ना बाबा, फिर कहोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूं। आई एम चेसिंग यू। नहीं दिवाकर, मोहिनी क्या हुआ? मुझे फिर पतली हो गई। क्यों पीती हो इतना कि पीने से तो कोई सवाल हल नहीं होगा? ना पीने से हो जाएगा, तुम्हारा हुआ। सवालों की बात रहने दो, सुना मेरा ग्लास कहां है? मत पियो मोहिनी, प्लीज गेट मी ड्रिंक, प्लीज।
अपना हाथ दिखाओ। मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे मार्क्सिस्ट भी ऐसी चीजों का विश्वास करते हैं। मार्क्सिस्ट भी इंसान है। एनीवे, मेरे दिमाग में मार्क्सिज्म के बारे में कोई इल्यूजन नहीं। लहजा ये एक नया इल्यूजन है। बड़े रैशनल बनते हैं आप। चलिए पहले हाथ जरा ऐसा कीजिए। सॉरी, नाखून काटना याद नहीं रहा। तो क्या हुआ, तुम उन सीरो सोफिस्टिकेटेड गैंग को बिलोंग नहीं करते। भरत, बॉम्बे में बड़े बड़े क्लीक्स हैं, होशियार रहना, ये लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। बर्वे साहब भी, यू आर सच ए सिंपलटन। प्रोफेशनल जेलसी नाम की भी एक चीज होती है। जहां करियर की बात आती है, ये लोग तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। ग्लैमर की चकाचौंध में उलझाएंगे तुम्हें और खा जाएंगे, ऐसा कि तुम्हें पता भी ना चलेगा। मैंने ये सब देखा है। ब्यूटिफुल माउथ्स, बहुत सेंसिटिव हाथ है तुम्हारा। अमृत के साथ भी यही हुआ? ही डिडंट केयर अ डैम। आज जो यहां नहीं है तो बार बार उसका नाम जपते हैं ये लोग। दे फील सो सेफ, बट अमृत विल हैव द लास्ट लाफ। मुझे अमृत की एक कविता याद आती है। चेहरे पर खरोंचों के निशान, जिस्म लहूलुहान, अनेक कनपटियां, फटी आवाज, कब, कैसे, किस सिलसिले से गुजरकर पहुंचा हूं यहां, ब्यौरा देने की हालत में नहीं हूं। काफी होगा इतना बता देना कि आहिस्ता आहिस्ता मगर बाकायदगी से चलता रहा। दबाव, प्रतिरोध, यंत्रणा का क्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी उस विस्फोटक क्षण में जब मैंने बदहवास कर दिया था उन्हें, उनके ही माइक्रोफोन पर अपना दो टूक निर्णय सुनाकर। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी शोभा यात्रा में मस्खरे की भूमिका अदा करने से इनकार है, जिनके दांतों की दरारों में ताजा इंसानी गोश्त गन्ने के रेशों की तरह फंसा है। अगर ऐसी चार पंक्तियां भी लिख जाएं, तो जिंदगी को सफल मान लें। अमृत से मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन जब मैं बंबई आया तो पता चला कि वो बंबई छोड़ के जा चुका है। भरत, तुम अपनी कोई कविता सुनाओ ना। सुनाओ ना। हम भी एक बौखलाए हुए दौर से गुजर रहे हैं। वक्त ही नहीं मिलता कुछ सोचने का, कुछ गुनने का, कुछ बुनने का। बारीकियां गुम हो गई हैं। सिर्फ शराब की बोतल, औरतों का अंगारे बरसाता जिस्म, सिगरेट के कश, असफल लोगों का खोखला दर्द, कान जनजनाते हुए सुरों में वही पुरानी बातें, पुरानी बहसें, जिनमें अब कुछ खास बातों का जिक्र नहीं होता। भविष्य का, जीवन की अर्थहीनता का, मौलिक सोच सकने की असमर्थता का। क्यों नहीं काट पाता हूं अपने को जिंदगी के इस घटिया दौर से, दूसरे दर्जे के बीमार दिमागों से, जो बेचते फिरते अपना दर्द कुछ भला शरीफाना। क्यों नहीं काट पाता हूं अपने को इन सब से? टैग की जरूरत है या मेरे घटियापन की घटिया जरूरत, या मेरा घटिया अहम जो इन रेंगती बिलबिलाती हस्तियों को देखकर तुष्ट होता है, खुश होता है, अपनी पीठ ठोकता है, इनसे तो बेहतर हूं मैं। भरत, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। वेल थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत क्रूर हूं। बट दैट्स योर रियल चार्म। सच, कभी कभी मेरा कॉन्फिडेंस ढहता सा जान पड़ता है। सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे। स्क्रू पीपल। सच कहूं, मैं प्रसिद्धि, शोहरत हासिल करने के लिए लिखता हूं, है ना बकवास? मगर सच लगता है कि शोहरत मिलेगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करूंगा। लोगों की जुबान पर मेरा नाम होगा तो मुझे विश्वास होगा कि मैं हूं, लोग मेरा आईना है। तुम अपने को नहीं जानते पागल। अगर नाम ही पाना होता तो आकाश की तरह नाटक ना लिखते तुम। बोलो। आज हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसे देखकर तकलीफ होती है। सड़ी राजनीति, पॉलिटिशियंस का जनता की तरफ सिनिसिज्म और अपैथी, और जनता का इस सब की तरफ एक इंडिफरेंस। गुस्सा आता है सब देखकर, लगता है झकझोरते सबको। फिर लगता है ये प्रोपेगेंडा तो नहीं होगा, लेकिन ये भी लगता है कि लिखना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि ये चीजें मुझे डिस्टर्ब करती हैं। सोचता हूं सोशल या पॉलिटिकल कमिटमेंट का साहित्य के साथ कहां तक संबंध होना चाहिए, या फिर होना भी चाहिए या नहीं। आखिर हम क्यों लिखते हैं? मशहूरी हासिल करने के लिए,
सामाजिक अन्याय की प्रतिक्रिया जताने के लिए या आत्मा को हिलाकर रख देने वाले अनुभव को जाहिर करने के लिए? भरत, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर अलाइव. एक बात बताऊं, तुम्हारे लिखने में एक तहकन है, एक तूफान है, मगर कुछ ऐसा भी है जो उभर नहीं पाता है. समथिंग वाइटल स्टिल मिसिंग फ्रॉम योर राइटिंग. जब तुम सेक्स के बारे में लिखते हो तो लगता है बहुत कम जानते हो, जैसे फैंटेसाइज कर रहे हो. बाय द वे, हाउ ओल्ड आर यू? इधर देखो. यू लव हिम? मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे, लेकिन दिवाकर कहता है नहीं. समझता है उसे अटका कर रखने का उपाय है बच्चा. मैं कहती हूं तुम आजाद हो, मैं कहां जिद करती हूं शादी के लिए. पर मेरा बच्चा हो तो मैं सब भूल जाऊंगी. ये चुपन, ये दर्द. तुम क्यों रहती हो दिवाकर के साथ? कहां जाओ दिवाकर को छोड़ दू तो? कहीं भी. गुलाम होकर रह गई हूं मैं. आई हेट दीज पार्टीज. हर चीज जो उसे पसंद है मुझे खिनाती है उससे, उसके दोस्तों से, उसकी किताबों से. फिर मैं पीती हूं, वो भी पीता है और सो जाता है. उसे सोते देखती हूं तो आग भड़क उठती है मेरे अंदर, पीकर भी मुझे नींद नहीं आती. उसके करीब आंखें खोलकर पड़ी रहती हूं, तड़पती रहती हूं कि शायद वो मुझे अपनी बाहों में समेट लेगा. पर उसे छूने की हिम्मत नहीं होती. डरी हुई, हर वक्त डरी हुई. मैं बदसूरत दिखने लगी हूं ना? मोहिनी, चलो कुछ देर आराम करो. मेरी आंखों के पास काले धब्बे, बूढ़ी लगने लगी हूं ना? जवान लड़कियों को देखो, कैसे सजती हैं, कितनी ताजा लगती हैं, और मैं उनके सामने कितनी पुरानी लगती हूं. सात बरसों में दुनिया कितनी बदल गई पता ही नहीं चला. कितनी खुल गई थी दिवाकर में, और इतनी कीमत देकर भी क्या पाया मैंने? सिर्फ ये बुढ़ापा. ऐसा मत सोचो मोहिनी. मैं गाती थी, मैं गाती थी, रोज चार चार घंटे रियाज करती थी. अब आवाज ही नहीं रही. मैं क्या करूं अपनी जिंदगी का? तुम फिर से एक्टिंग शुरू करो, स्टेज पे जाओ. चाहती हूं मैं भी. 30 पार कर चुकी हूं. कब से सोच रही हूं इस भंवर से निकलना है, अपने बूते पर जीना है. बस जरा दिवाकर मुझसे प्रेम करे, एक पल के लिए ही सही, लेकिन सच्चा प्रेम. मैं अपना करियर फिर शुरू कर दूंगी. आई विल बी हैप्पी अगेन सोना. मगर वो, चलो उठो बाहर चलते हैं. शर्म आती है. मेडिसिन
लोग क्या सोचते होंगे। भूल जाओ लोगों को। मेरे बाल ठीक है? वो पर्स देना जरा। ये शर्ट मैच करेगा मेरी साड़ी के साथ? In a world made of steel, made of stone. Let's dance. Come on. Nee. Let's dance. Get up. Nee, I can't. Get up. Come on. Nee, I can't. Of course you can. I can't. Come on. Nee. There. Nee. अजीब सा लग रहा है। मैंने कभी किया नहीं है। फर्स्ट टाइम। मगर मैंने कभी किया नहीं है। अजीब सा लग रहा है मुझे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। What's the problem? What's the matter, भरत? नहीं नहीं कुछ नहीं। भरत? अकेली बैठी हूं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं सोना। मेरा रास्ता छोड़िए। क्या कमी है मुझ में? अगर सानी जस किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं सोना। हम समाज के कर्जदार हैं। समाज को कुछ देना हमारा फर्ज है, ऑब्लिगेशन है। मैं हमेशा अपने से पूछता हूं कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। आप फिलहाल शराब पीना बंद कर सकते हैं। What? मामी इधर आओ। मैंने कहा था आकाशे को दूर रखना मुझसे। क्या हुआ? सुनोगी तुम क्या कह रहा था वो? तुम किस किस के मुंह पे हाथ रखोगी? गलती अपनी है सोना। मैंने कोई गलती नहीं की, समझी? तुम क्यों गलती करोगी? लोग ही बेवकूफ हैं। शट अप राहुल, यू डोंट डू एनीथिंग। सोना प्लीज डोंट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी। आकाशे ने फिर पूछा है मुझसे। वो जानता है मेरा जवाब और तुम भी। क्या बुराई है साहब आकाशे में? तुम बीच में मत पड़ो राहुल। राहुल अब बच्चा नहीं है। मैं जानती हूं आकाशे तुमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन प्रेम तो सहानी का भी नहीं था। मम्मी प्लीज लेट्स नॉट मेंशन नेम्स। I must be demean ourselves. आखिर प्रॉब्लम को किसी तरह तो सॉल्व करना ही होगा। गेट आउट ऑफ हियर। सोना आकाशे इज नॉट अ बैड सॉर्ट। कांट यू सी ही इज अ डर्टी क्लाइमर मम्मी। उसे पता है नाना कैबिनेट मिनिस्टर है। ज्यादातर शादियां यही देख के की जाती है और निप जाती है। तुम्हारे पिता ने भी तो यही किया था। आप लोगों ने लव मैरिज की थी। ऐसा मुझे लगा था उस वक्त। He was not my type of man. बहुत जल्दी समझ गई थी, लेकिन छोड़ नहीं दिया उन्हें। तुम्हारे नाना नामवर वकील थे, राष्ट्रीय नेता थे, और तुम्हारे पिता ने ये तमाम फायदे सोचकर ही शादी की थी। पापा आज नहीं है कि अपनी बात कह सके। It was off.
ऑफ। एक रात ऐसी नहीं थी कि वो नशे में धुत होकर ना लौटे हो। कभी पूछा अपने से वो क्यों ऐसा करते थे? पूछा है, जिंदगी भर वो सवाल मेरा पीछा करता रहा है। क्या नहीं किया मैंने उनके खातिर? साहित्य, संगीत, कला, हर सुंदर चीज से पहचान कराई थी मैंने। He never cared. तुमने सिर्फ दुत्कारा उन्हें। You nagged him. सोना? Yes, you did. Don't speak like that to mother. That's unfair. मुझे गुस्सा आता है तुम पर। Shut up. पापा होते तो सबको गोलियां दाग देते। उसे क्या तुम्हारी समस्या हल हो जाती? समस्या तुम लोगों ने बना रखी है। मैं अपने बच्चे के साथ सिर ऊंचा करके जीने को तैयार हूं। इसमें समस्या कैसी? पहले तुम्हें पापा पे शर्म आती थी, अब मुझ पे आती है। मैं सच सच नहीं करती, मैं सोशलाइज नहीं करती तुम्हारे दोस्तों के साथ। सोना, इनफ। तुम जिम्मेदार हो इस सब के लिए। सजा दोगे मुझे? दो, लेकिन ये झाई झाई खत्म करो फॉर हेवन से। अपने बॉयफ्रेंड से कह दो मेरा पीछा ना करें। क्या कहा? मैं उनके ग्लैमर से नहीं दबती। वो सब प्रतिभाशाली लोग हैं। दे क्रिएटिव पीपल डाउन देयर। और तुम? यू आर अ पैरासाइट। यस, अ पैरासाइट। उनकी शोहरत उनका जस्ट चूस कर जी रही हो तुम। हेलो अविनाश, कहाँ से बोल रहे हो? पहले यहाँ आओ। आप हमारे किसी रंग में भंग नहीं डाल रहे हैं, आप सीधे चले आइए। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, आप 15 मिनट में यहाँ पहुँचिए। ओके, बाय, डोंट बी लेट। मोहिनी, मोहिनी ये क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये नहीं, I'm all right. You carry on. मोहिनी, मोहिनी के बारे में जो सुना वो सच है? है तो रेगुलर अल्कोहलिक होती जा रही है। मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया है। किसी का हमारा अपना होना भी बहुत बड़ी नियामत है बरवे। शी लव्स यू। ये सच नहीं है और मोहिनी भी ये जान गई है। शी लव्स यू टू डिस्ट्रैक्शन।
मैं अब उसे प्रेम नहीं करता। Don't say that. ऐसा भी होता है दमयंती। लेकिन तुम्हारे खातिर उसने अपना करियर भी त्याग दिया। लोग क्यों खुद अपने को धोखा देते हैं? तुम जानती हो वो एक मीडियोकर एक्ट्रेस थी और एक्ट्रेस के नाते उसका कोई भविष्य नहीं। लेकिन बर्वे इस बात को वो भी समझती थी, इसलिए उसने कभी रिस्क नहीं लिया। प्रेम का बहाना बनाकर हमेशा चुनौतियों से भागती रही। अब सुख लूटेगी, जिंदगी भर मुझे दोष देने का सुख। परवे, यू बिकमिंग बिटर। मैं सत्य बोल रहा हूं। जो चल रहा है उसकी प्रक्रिया नहीं जानती वो, इतनी अकल भी नहीं उसमें। सच्चाई को टालना और पीना, बस बेहिसाब पीती है आजकल। रात रात भर मैं उसकी बगल में लेटा रहता हूं, आंखें बंद करके नींद का बहाना बनाकर। डरता रहता हूं कि अगर जरा भी हिला तो वो मुझे छुएगी, त्रिपट जाएगी, रोएगी। छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें चाहता हूं। कितना हुआ? 9 रुपए। आपने कल अखबार में एनकाउंटर डेथ्स के बारे में लेख पढ़ा? पढ़ा। बड़े शर्म की बात है ये सब हो रहा है। किससे भी बड़े शर्म की बात ये सब होने दिया जा रहा है। इस सब्जेक्ट पे तो एक फिल्म बननी चाहिए। सरकार अलाउ करेगी? What is this madness? Reproducing Broadway musicals costing over 2 lakhs. Why don't you write about that, Mrs. Abraham? The country is starving. Isn't that Avinash? Avinash. हेलो वृंदा, कैसे हो? अरे ये क्या हुआ, एक्सीडेंट? जरा सांस तो लेने दो। बताओ क्या हुआ? अमृत कैसे? अविनाश, ये क्या कर रहा है? हेलो मिसेज राने। हेलो मिस्टर बर्वे। हेलो। कुछ नहीं, जरा छोटा सा फ्रैक्चर है। कुछ सीरियस तो नहीं? नहीं। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी। कम बर्वे, चलिए। समबडी प्लीज सेंड सम ड्रिंक्स इनसाइड। क्या हुआ? हाउ डू यू जस्टिफाई एंड डिफेंड वायलेंस? घृणा से सिर्फ नफरत और कड़वाहट बढ़ती है। ये कैसे भूल जाते हैं आप? सिर्फ खून बहा देने से समस्याएं हल नहीं होती। आई एम नॉट सो श्योर। आप लोग रहते कौन सी दुनिया में? आपको कुछ भी पता नहीं? अखबारों में आता ही क्या है? वो भी सही है, किसी में हिम्मत नहीं है छापने की। अमृत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये डेवलपमेंट अनपेक्षित है। आप सचमुच समझते हैं कि यह अनपेक्षित था? बर्वे साहब, वहां बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। आप लोग जरा बंबई के बाहर निकलकर वहां जाइए तो देखिए तो। वहां स्थिति इतनी बिगड़ी हुई तो नहीं थी? फोड़ा पक रहा था भीतर ही भीतर। अमृत जब पहुंचा तो। लेकिन अमृत जैसे लोग हिंसा पर क्यों उतर आते हैं? दमयंती जी, मैंने ये नहीं कहा कि हिंसाचार अमृत ने शुरू किया। वहां आदिवासियों ने हलचल मचा रखी है, मोर्चे निकल रहे हैं, अशांति फैली हुई है। अगर ऐसी हालत में सरकार बंदोबस्त के खातिर पुलिस भेजती है तो क्या गलत करती है? क्या आप वाकई मानती हैं कि पुलिस वहां सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भेजी गई है? तुम किसकी तरफदारी कर रहे हो अविनाश? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, न्यूज की तलाश में रहता हूं, न्यूज लाता हूं।
आप लोगों की तरह अस्तित्व का अर्थ या जीवनानुभव वगैरह की तलाश नहीं रहती मुझे। व्यंग रहने दो अविनाश, पूरी बात बताओ। अभी जो विस्फोट हुआ है उसकी वजह बहुत मामूली है, मगर उसकी जड़ में कितनी शताब्दियों से आग धधक रही थी कोई नहीं जानता। आज झगड़ा मचा हुआ है जमीन के सवाल को लेकर। आदिवासियों का कहना है कि यह जमीन उनकी है, और यह सही है। सैकड़ों वर्षों से वो लोग उस जमीन पर खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, और सरकार को जरूरत है जमीन के उसी हिस्से की। 5 महीने से पुलिस जमी हुई है, 700 सिपाही तैनात हैं, 700 अमृत मोर्चा ले जाता है, पता नहीं कहां से एक पत्थर चलता है और एक पुलिस वाला घायल हो जाता है। उसके बाद टीयर गैस, लाठी चार्ज, फायरिंग, वही हमेशा की टेक्निक। 12 आदिवासी मर चुके हैं, अखबारों में कुछ नहीं है। इट्स स्टूपिड। क्या ऐसे क्रांति नहीं होती? अमृत भी इसे कहां क्रांति कहता है। ये क्रांति है ही नहीं। जाने से पहले इसी बात पर अमृत से बहस हुई थी। देश के किसी एक कोने में कुछ आदिवासियों को लेकर कोई क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति के लिए जिस तरह का संगठन, जिस तरह की तैयारी चाहिए, वो हमारे देश में भी हुई ही नहीं है। इस तरह का रोमांटिसिज्म रेवोल्यूशन की जगह नहीं ले सकता। वृंदा, अमृत इसे सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ना कहता है। वो ये भी कहता है कि अन्याय का विरोध किसी भी कीमत पर होना चाहिए। अत्याचार के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। आप अमृत का पक्ष बता रहे हैं, सरकार का भी तो कुछ लॉजिक होगा। सरकार के लॉजिक की धज्जियां उड़ चुकी हैं पिछली विधानसभा में पहले ही। ये तो अखबारों में भी आया था। धज्जियां उड़ी मगर सरकार अपने इरादे पर अटल है। उस जमीन पर सरकार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहती है। सेठिए ठेकेदार सिर के बल दौड़ते हुए जाएंगे और जंगल पे हिसाब तोड़ा जाएगा। बिजली घर बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े बुलडोजर और ट्रक्स दौड़ेंगे। इसके साथ साथ लाइसेंस की चोरबाजारी और तगड़ी घूसखोरी, ये सब वहां होगा। जबकि आज ये हालत है कि घड़ा भर पीने का पानी लाने के लिए आदिवासियों को 5 मील तक चलना पड़ता है। यही तो दुविधा है। एक तरफ आदिवासियों की मानवीय समस्या है और जो बिल्कुल वाजिब है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देश के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, मगर सवाल यह है कि सरकार जमीन के उसी टुकड़े के लिए ही क्यों जिद कर रही है। उस प्रदेश के कुछ विशेष फायदे भी नहीं है। मगर नहीं साहब, सरकार तो वही जमीन लेगी। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहीं से चुनाव जीते हैं। उस प्रदेश की उन्नति के लिए कुछ तो कर दिखाना है उन्हें। इस जंगल से सटी जो खेती वाली जमीन है, अब अगर वो चीफ मिनिस्टर की पत्नी महोदय की मिल्कियत है तो कोई क्या कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के आते ही उस जमीन के दाम 50 गुना बढ़ जाएंगे। ₹500 फी एकड़ की बजाय 25,000 फी एकड़ मिलेंगे। पिछले 5 वर्षों से वहां लगातार अकाल पड़ रहा है, सरकार ने कुछ नहीं किया। अब करोड़ों रुपया खर्च करके वहां नहरें खुदवाई जाएंगी, बांध बंधवाए जाएंगे। एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त भी हो चुकी है इस काम के लिए। लेकिन सरकार आदिवासियों को मुआवजा तो देगी ही। हाँ जरूर देगी, दयालु सरकार है ना। हर एक को ₹500 नकद और 1 महीने के लिए चावल मुफ्त। अमृत को गिरफ्तार करके ले कहां गए हैं? एक्चुअली हुआ क्या? आप सचमुच जानना चाहते हैं? डोंट बी रूड अविनाश। मेरे सामने की घटना है। वहीं के एक MLA और एक मिनिस्टर कोई हफ्ता भर पहले आए थे। उन्होंने आदिवासियों को फुसलाने की कोशिश की। अमृत और उसके साथियों ने विरोध किया। उन्होंने अमृत को बातचीत करने के लिए बुलाया। बातचीत का तो बहाना था, अंदर बुलाकर उसे तरह तरह से धमकाया गया। एंड अमृत लॉस्ट हिज टेंपर। कैन यू इमेजिन? कभी देखा है आपने अमृत को गुस्सा होते हुए, जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो? मिनिस्टर भी भड़क उठा। उसका साथी MLA धमकी देने लगा, तू बहुत बकबक करता है, बोला। 2 दिन बाद मैं और अमृत शाम के वक्त लौट रहे थे तो जंगल में हम पर हमला किया गया। ये उसी का प्रसाद है। और अमृत ठीक है? थोड़ी चोट लगी है, अस्पताल में है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और वहीं उसकी हिफाजत कर रही है, अस्पताल में ही। बर्वे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी अविनाश जी, कैसे दिखते हैं अमृत? आई एम भरत। हेलो भरत। हेलो। कैसे यानी? यानी उनकी आंखें, उनका रंग। आप एक मरतबा खुद ही क्यों नहीं मिलाते? जी मैं मिलना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन
चोट सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ओके। कुछ है जो आप छिपा रहे हैं सोना? आपने पूरी बात नहीं बताई। बता दी है? नहीं। बता दी है सोना? सच। कोई भी बात हो छिपाइएगा नहीं। नहीं छिपाऊंगा। I couldn't take any more of that. अमृत की खबर सुनकर दिल दहल गया है मेरा। पॉलिटिकल मूवमेंट्स में ये सब होता ही रहता है। Aren't you upset? उससे क्या होगा? I don't know. Something is wrong somewhere. You are depressed. I feel so guilty. विचारों के सहारे जीने का यही मूल्य चुकाना पड़ता है दमयंती। बूढ़ी होती जा रही हूं। हम लोग एक ही उम्र के हैं बरवे, लेकिन देखो मैं कितनी जल्दी बूढ़ी हो गई हूं। मेरी जैसे औरत का और क्या होना है? यू फील ओल्ड बरवे? मैं इस बारे में सोचता ही नहीं। यू विल नेवर ग्रो ओल्ड। आप लोग क्रिएटिव आर्टिस्ट जो ठहरे, हर पल ताजगी से जीने वाले, मन कभी बासी नहीं होगा तुम्हारा। कीर्ति और सफलता के शिखर पर खड़े हो बरवे, कैसा लगता है? कैसी हवा है उस ऊंचाई पर? वहां हवा ही नहीं है दमयंती। क्या ऐसे नहीं लगता कि तमाम दुनिया तुम्हारे कदमों में बिछी है? नहीं, लगता है। आगे क्या? क्या अब सिर्फ उतरना होगा? इट्स ए फ्राइटनिंग थॉट। तुम जहां पहुंचे हो वहां से नीचे नहीं उतरोगे बरवे। कुछ है जो आज तुम्हारी मुट्ठी में है। मेरे जैसे खाली हाथ नहीं रहेगा तुम्हारे। मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। मैं खत्म हो जाऊंगी तो मेरी याद का हल्का सा छींटा तक नहीं रह जाएगा। मालूम है सोना ने क्या कहा आज? कहा कि मैं पैरासाइट। पैरासाइट? कहा कि आप लोगों की शोहरत और जस्ट जूस के जीती हुए। You think I'm a parasite? I'm shattered. जिंदगी भर क्या किया मैंने? क्या पाया? क्या छोड़ जाऊंगी? ये एक भ्रम है दमयंती। आत्मसंतोष केवल एक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो संतोष तुम्हें भी नहीं है? तुम जानती हो सत्य क्या है। जानती हो तुम और मैं भी जानता हूं, मगर तैयार नहीं हम उसका सामना करने को। हम असल में जीवन से दूर भागने वाले प्राणी हैं दमयंती। क्यों हम किसी न किसी तरह भीतर ही भीतर खत्म हो रहे हैं? कुछ समझ नहीं पड़ता। रात रात पर जागती रहती हूं मैं। परसों तो एक अजीब घटना हुई। दिन भर मैं भटकती रही दिशाहीन, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, दुकानें, जाने कहां कहां। ट्रैफिक सिग्नल के पास गाड़ी रोकी।
सिग्नल शुरू हुआ और मैं वैसे ही बैठी रही। आई वेंट कंप्लीटली ब्लैंक और अचानक मेरा रोना फूट पड़ा, इतनी जोर से कि आंसू रुकते ही नहीं थे। ट्रैफिक तमाम हैरान और यहां आंखें लगातार बह रही हैं। यानी क्या हो गया? मन के भीतर गहरा सन्नाटा है, एक पत्ता भी नहीं खड़कता। गंध की एक नहर तुमसे मुझ तक बहती है, कितना कुछ अनचीना, कितना कुछ अनकहा, एक विश्व संवेदनाओं का बहाल आती है तुमसे मुझ तक, मुझसे तुम तक। हां, मुझसे तुम तक अविराम बहती है एक नहर गंध की। यही शायद यही संगति है उस संबंध की जिसे अर्थ देने को दर्पण पर झुकी लड़की घंटों परेशान रहती है। गंध की नहर पर तैरकर न सही मैं, मेरा गीत आ सकता है, स्पर्श तुम्हारे एकांत का पा सकता है। यही, हां, यही परिणति है इस संबंध की। बहती है तुमसे मुझ तक एक नहर गंध की। You look tired, Barve. You need a holiday. सोचता हूँ डेलीगेशन के साथ अमेरिका चला जाऊं, दो चार हफ्ते तो शांति से गुजरेंगे। मोहिनी भी साथ चलने को कहेगी। That can be managed. फॉरेन एक्सचेंज की दलील है ही। कल ही पापा से बात कर लेती हूँ। भरत भी जाना चाहता है, क्या करें? ये तो तुम ही तय करो। पर्सनली आई फील के भरत गुणी है, होनहार है, मगर अभी उसे रुकना चाहिए, कुछ और मेहनत करनी चाहिए। अगर अभी से प्रसिद्धि और फॉरेन ट्रिप्स वगैरह में उलझ गया तो जहां का तहां रह जाएगा। सोचता है हमने उसके नाटकों को नोटिस नहीं किया। मुझे उसको एक दिन बताना पड़ा कि बरवे साहब को जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा था। संघर्ष नहीं दमयंती, दरअसल सफलता मुझे सहज ही प्राप्त हो गई। मैं बहुत होशियार आदमी हूं दमयंती। प्लीज बर्बे, ऐसी बातें मत करो। असल में इतना सत्य मैं कभी बोलता नहीं हूं, बराबर ध्यान रखता हूं। 20 बरस से शिखर पर जमा हुआ हूं तो सिर्फ होशियारी के ही दम पर, वरना ऐसे कौन से अमूल्य अनुभव की अभिव्यक्ति करता हूं अपने साहित्य में? क्यों, कल्पना भी एक अनुभव है। सभी लेखक अपने को इसी वहम में डालते रहे हैं। हर नए ट्रेंड को पहले से भांप लेना, दूसरों से पहले उसे इस्तेमाल कर लेना, जीवन की जटिलता के बारे में मुश्किल शब्दों में बोल बोल कर अचानक उसे एकदम आसान, एकदम उदात्त बनाकर छोड़ देना, ये मेरी ट्रिक्स हैं। लोग अचंभा करते हैं। कुछ साल और ठहरो दमयंती, देखोगी कि मेरे शब्दों को छूने भर से उनके भीतर भरा भूसा फहरा कर गिर पड़ेगा। भूसा, यही मेरी कमाई है। यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी इस साजिश में तुम भी शामिल हो दमयंती। जिंदगी भर सत्य की खोज फरेब है, ठकोसला है ये सत्य की खोज। कैसा सत्य मिला है कभी हमें सत्य? और जब वो सत्य एक रोज सामने आया तो उसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया था मैं।
पुरस्कार पाने दिल्ली जा रहा था। जंगल में जाने कहां गाड़ी अचानक खड़ी हो गई। बाहर धुआंधार बारिश। देखता हूं एक बूढ़ा आदिवासी और उसकी औरत पानी में भीगे सर्दी से कांपते हुए हमारी गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। एक अजीब परायापन था उनकी आंखों में। कोई रिश्ता नहीं था उनकी और मेरी नजर के बीच। मैं, मेरा लेखकपन, मेरा सम्मान समारोह, मेरी 5000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक निधि, इन सब बातों के साथ उनका कोई वास्ता नहीं था। उनकी जमी हुई नजर के सामने ये सारी चीजें पल भर में बेमानी जान पड़ी। क्या मतलब है तब कला का, संस्कृति का? कोई साझा नहीं था मेरे साहित्य का उनके दुख के साथ। लग रहा है मैं ड्रामा कर रहा हूं। सच कह रहा हूं। लिखने के पहले आवेग में हम बहुत कुछ लिख जाते हैं, उसे मशहूरी मिल जाती है, फिर उसी पूंजी का ब्याज जिंदगी भर खाते रहते हैं। जो नया लिखते हैं वो पुराने की आवृत्ति भर होता है। होशियारी से कर लेते हैं इसलिए मौलिकता का भ्रम बना रहता है। मेरे शब्द शब्द नहीं है दमयंती, सिर्फ शब्द की केंचुल है। Isn't it strange how sometimes, even in the midst of so many people, one can still feel so alone? Even now? What's the matter, Malvika? Malvika? क्या हुआ? कैसे? चोट तो नहीं लगी ना? Are you sure? मेरा चश्मा नरेंद्र, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं ठीक, हम लोग तो परेशान हो गए। विकी, I'm okay, विकी. कुछ नहीं हुआ मुझे विकी. Don't cry, please. I'm okay. हो जाता है कभी. I'll have a wash. Calm down, please. Where were you? I was looking for you. Come on, Ruth, I've been around. Oh, I've noticed that. And what happened to Malvika? Where are you going? I'm fed up. Here. But you can't go now. You came with me. I know that. But I don't belong to you. Subhash. खाना खाएंगे आप? नहीं अभी नहीं। अच्छा सोना, देखो बेटे, अमृत ने जो रास्ता चुना है उसमें ये सब खतरे तो हैं ही। जानती हूं अंकल, पर अकेला अमृत ही तो नहीं, और भी लोग हैं उस जैसे, उसके साथ। धड़कते हृदय से लिखा हुआ गीत हृदय को सुलगाएगा, जलाएगा। दहकती भट्टी से निकला हुआ अंगार बर्फ की तरह ठंडा क्यों? लिख रहा हूं मैं गीत परिवारियों की आंखों के सामने बलात्कार की गई बहू बेटियों की पीर से। लिख रहा हूं मैं गीत पेड़ से बांधकर गोली से उड़ा दिए गए जनता के नायकों की तड़प से, जिनका गुना था भूख और रोटी की मांग, जिनका पाप था इंसान की तरह जिंदगी बसर करने की चाह। तो क्यों कर तुम्हारे हृदय को गुदगुदाइए गीत? अगर बाकी है हृदय नाम की चीज तुम्हारे पास तो मेरा गीत उसे झकझोरेगा, ठेलेगा। जिंदगी की खुरदरा चट्टानों पर धार चढ़ाया हुआ मेरा गीत हो ही नहीं सकता तटस्थ ना मर्द। क्यों दे वो किसी को भी पल भर का आनंद? या तो तुम मेरे हो, मेरे अपने हो, या मेरे दुश्मन हो।
क्योंकि जिस जंग के मैदान में मैं उतरा हूं वहां मेरा गीत भी एक हथियार है। अच्छी है, अच्छा प्रयास है भरत। ये अमृत की कविता है बरवे साहब। अच्छा, अमृत अभी जिंदा है बरवे साहब। काश ऐसी एक भी कविता लिख पाते। अमृत की कविता सिर्फ कविता नहीं है भरत, वो एक हथियार है। मेरे लिए तो सबसे पहले वो एक कविता है। मेरे विचार में हर कलात्मक रचना, कविता, नाटक, उपन्यास या फिल्म ही, जिसके जरिए जनता के साथ विचार की सतह पर जुड़ सकते हैं, सामाजिक या राजनीतिक संघर्ष में एक हथियार है। एक तरह से ये सही है, लेकिन हर बार ऐसी जिद क्यों? ये जिद नहीं है भरत, सच्चाई है। कला को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जरा ध्यान से देखो तो हर देश की सरकार कला के माध्यम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो हथियार को अपना माध्यम बनाना होगा। आपका मतलब है कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह जाना है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों डॉक्टर? मुझे इस बहस में क्यों उलझा रहे हैं? सीरियसली, आर्टिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाए, ये उसका निजी फैसला है, उसका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं इसे उसके आर्ट के रेलेवेंट होने की आवश्यक शर्त नहीं मानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, श्रेष्ठ कला और साहित्य 20वीं शताब्दी में तो खासकर किसी न किसी किस्म के प्रोटेस्ट के जज्बे से पैदा हुआ है। यह प्रोटेस्ट केवल राजनीतिक था, सामाजिक या आध्यात्मिक था, इसका विश्लेषण करना आसान नहीं है, लेकिन कलाकार के मन में प्रोटेस्ट का, विद्रोह का जज्बा बहुत शक्तिशाली था। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी है। डॉक्टर, इतने वर्षों में पहली बार तुम्हें इतना बोलते हुए सुन रही हूं। अविनाश साहब की कृपा है। वैसे डॉक्टर, आपको ऐसा नहीं लगता कि कलाकार के प्रोटेस्ट को एक व्यापक विद्रोह का रूप देने के लिए उसे किसी राजनीतिक संगठन के समर्थन की जरूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक ऐतिहासिक क्षण में जब बहुत से कलाकार एक विशेष प्रकार की चेतना, एक विशेष प्रकार की सेंसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, तो खुद ब खुद एक मूवमेंट शुरू हो जाती है जो सीधे जन साधारण के दिलो दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन डॉक्टर, व्यक्ति के निजी सुख दुख का क्या? आपका दर्शन तो उसे तुच्छ मानकर धिकारता है। हमारा हर सुख हर दुख सामाजिकता और राजनीति से संबद्ध होना चाहिए। हर बार ये आग्रह क्यों? व्यक्ति के निजी सुख दुख के साथ कोई बैर नहीं, पर अगर वो रचना के रूप में कलात्मक स्तर को नहीं छू पाता, कोई नई दृष्टि नहीं देता, तो किस काम का? डॉक्टर साहब, कभी कभी मुझे ये संदेह होता है कि जब हम सोशल कमिटमेंट की शर्त लेकर चलते हैं तो कला का दर्जा छोटा तो नहीं हो जाता? हम कैसे तय कर सकते हैं कि एस्थेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कमिटमेंट? फिर सोचता हूं ये सब सवाल बेमानी है, क्योंकि हमें चुनने की आजादी नहीं है। हम लिखते हैं क्योंकि हम लिखे बगैर रह नहीं सकते। अमृत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गया है क्योंकि उसे वही अपना रास्ता जान पड़ता है। सबसे अहम बात यह कि हमने अपने लिए जो काम चुना है उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं या नहीं। भरत, एक सवाल का जवाब दो। हमारे इर्द गिर्द जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में कोई मॉरल स्टैंड लेना चाहेंगे या नहीं? एक इंसान होने के नाते जरूर लूंगा। और कलाकार के नाते? जरूरी नहीं। इसका मतलब एक ही आदमी में दो किस्म की मॉरल कमिटमेंट होती है? हो सकती है। अगर वो आदमी कलाकार है तो दो अलग अलग स्तरों पर वो लगातार जीता है। यू आर अ कावर्ड। मॉरल स्टैंड लेने से घबराते हो और होशियारी से शब्द घुमाते हो। नहीं, असल में मेरा स्टैंड ज्यादा मॉरल है। अगर मैं दो तरह की मॉरल कमिटमेंट्स रखने में गफलत करता हूं तो इंसान होने के नाते तो मैं भ्रष्ट हो ही जाता हूं, कलाकार होने के नाते भी ईमानदार नहीं रह पाता। कितने कलाकार मिलेंगे जो आपके दो स्तरों पर रहकर पूरी ईमानदारी से जी लेते हैं बगैर समझौता किए? ये अलग सवाल है। अलग सवाल नहीं है भरत। कभी ना कभी भीतर का इंसान और कलाकार एक दूसरे के सामने पड़ जाते हैं और एक ही सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं, तभी निर्णय करना पड़ता है।
करना ही पड़ता है कि हम कलाकार बनकर जीना चाहते हैं या इंसान बनकर। कभी तुम्हारे सामने ऐसा सवाल उठे तो तुम क्या करोगे? अविनाश साहब के लिए फोन है। एक्सक्यूज मी। आप लोग क्यों ऐसी बातों में अपना सर खपाते हैं? अपनी तो समझ में नहीं आता। अरे लेखक लिखना चाहता है तो लिखे, विषय कम पढ़ते हैं क्या? अकाल, अपराध, अधेड़ उम्र की लड़कियों की समस्याएं, भ्रष्ट मंत्री। वो चारा का आपकी खातिर खाली रख छोड़िए हमने। डोंट बी रूड वृंदा। क्या हुआ? क्या बात है अविनाश? क्या हुआ अविनाश? अमृत नहीं रहा, उसे मार दिया गया। कब, कैसे? आज सुबह जंगल में एक नाले के किनारे लाश पाई गई। अब दो चार आदिवासी गिरफ्तार किए जाएंगे, उन पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा, अपराध भी साबित हो जाएगा और उनको फांसी दे दी जाएगी। दैट्स ऑल। अमृत मुक्त हो गया। पहले नहीं बताया था, अब बताता हूं। उस शाम जब मैं और अमृत लौट रहे थे तो रास्ते में 6-7 लोगों ने हम पर हमला किया था। होश खोने के पहले मैंने देखा कि कुछ गुंडों ने अमृत को जमीन पर गिरा लिया और एक ने चाकू निकाल लिया। उसके बाद जब होश में आया तो देखा अमृत थोड़ी दूर पर घास में गिरा पड़ा है और उसका चेहरा खून से लथपथ था। तू बहुत पकपक करता है, एमएलए ने कहा था। उन्होंने अमृत की जीभ काट दी थी। आज सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, अपने गांव वाले ठिकाने पर लौट रहा था। और रास्ते में किसी ने पत्थर से उसे मेरे ख्याल से एक शोक सभा करनी चाहिए, क्यों बरवे साहब? जरूर, मैं कुछ कहना भी चाहूंगा। आफ्टर ऑल ही वॉज ए गुड पोएट एंड ए ग्रेट मैन इन हिज ओन वे। आप क्यों यह तमाशा करना चाहते हैं? अकेले अमृत के साथ ही तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों उसे शहीद बनाकर? क्या हुआ? Thank you.
Yeah.